कपल आसन बनाने के लिए हमने यहाँ पे वेलवेट की पट्टी ली हुई है। इस पट्टी को हम ऐसे सीधा मोड़ के सिलाई लगा देंगे। अब हम इस पट्टी में ऐसी छोटी छोटी चिमटी लेकर प्लेटिंग करके लेस बना लेंगे। यहाँ पे हमने चेन स्टिच किया हुआ कपड़े का पीस लिया हुआ है। हमने जो वेलवेट का लेस बनाया था उस लेस को अब हम ये कपड़े के ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे कॉर्नर पे हम खास ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पे लेस के एक्स्ट्रा पार्ट को काट लेंगे और कुछ इस तरीके से जॉइंट लगा देंगे। अब हम यहाँ पे अस्तर लेंगे, उसके ऊपर फोम सीट और उसके ऊपर हमारा लेस लगाया हुआ कपड़े को सही से बिछा लेंगे। यहाँ पे कपड़े की चारों साइड पे फोम सीट और अस्तर का थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट होना जरूरी है। अब हम अस्तर को फोम सीट के ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर लेस लगाए हुए कपड़े को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई करेंगे। यहाँ पे हम लेस की धार के बराबर फोम सीट को रखेंगे और बाकी का फोम सीट का एक्स्ट्रा पार्ट काट कर हटा देंगे। यहाँ कॉर्नर पर हम अस्तर की दोनों साइड को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। कॉर्नर का फिनिशिंग जितना अच्छा रहेगा उतना ही पूरे आसन का फिनिशिंग अच्छा मिलेगा। हमने जिस वेलवेट की लेस बनाई थी उसी वेलवेट के पीस को हम सेंटर में ऐसे मोड़ कर लगाएंगे। मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से डिजाइन बनाया है, आप आपका पसंदीदा कोई भी डिजाइन बीच में बना सकते हैं। अगर आपको ये जलेबी डिजाइन अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमको इसी तरह वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हम ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।
आप इस आसन का उपयोग जहाँ पे दो लोग को साथ में बैठकर पूजा, हवन, यज्ञ या तो फिर शादी ब्याह में कन्यादान करने के लिए कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।